नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए एबीएन लाइव, और एबीएन लाइव आपको पल पल की रिपोर्ट देने की गारंटी की थी। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लगभग संपन्न हो चुका है। नगर क्या स्थिति है जयनगर में? जयनगर की स्थिति ऐसे है कि यहाँ पे 3 कैंडिडेट, वैसे तो पूरे लोकसभा में 10 कैंडिडेट है, लेकिन 10 कैंडिडेट में से 3 कैंडिडेट जो है, जो जिनका नाम सबसे ऊपर आ रहा है, जिसमें रामप्रीत मंडल है जो निवर्तमान सांसद हैं, एक सुमन महासेठ है, सुमन कुमार महासेठ जो कि वीआईपी के सीट से हैं महागठबंधन की तरफ से। उसके बाद आपको गुलाब यादव है जो कि बीएसपी की तरफ से है। तो कहा जाए तो जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आरपी मंडल है, उसके बाद कुछ पोल आपको जो है आपको गुलाब यादव को भी गया है, लेकिन जो मार्केट एरिया है जहाँ पे व्यापारी वर्ग के लोग हैं, वहाँ पे सोन महासेठ का जो बोलबाला है वो अभी सुनने में आ रहा है। जी, कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो निवर्तमान सांसद उनके पकड़ है, और जो शहरी एरिया है वहाँ पर सुमन महासेठ के तरफ रुझान दिखता जाता दिख रहा है। जी जी, क्योंकि देखिए व्यापारी वर्ग में कहीं ना कहीं सुमन जी का एक जो हम अभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि सुमन महासेठ जी पहले बीजेपी में थे, और बीजेपी के साथ साथ वो विश्व हिंदू परिषद आरएसएस बजरंग दल से भी उनका लगाव रहा है। तो जो कैडर वोट है आरजेडी का वो तो सुमन महासेठ में गया ही है, लेकिन कुछ जो उनके साथ आरएसएस विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल का के साथ जो उनके साथ रहे हैं, जो उनके बहुत करीबी है, वह वोट भी उनको पड़ा है। रही बात इधर निवर्तमान सांसद रामप्रीत मंडल की, तो रामप्रीत मंडल का भी जो कैडर वोट है वह भी उनको पड़ा है। लेकिन उसमें अगर कहा जाए रामप्रीत मंडल जी का, तो रामप्रीत मंडल जी पिछले लोकसभा चुनाव में 3,22,000 लगभग वोटों से जीते हुए थे, वो उन्होंने जीत हासिल की थी। तो कुछ लोग अभी का जो सूत्रों से जो जानकारी उभर के सामने आ रही है कि रामप्रीत मंडल का जो 3,22,000 में से अगर 50,000 भी अगर चला जाता है या 1,00,000 भी चला जाता है, लेकिन उसमें लोग आकलन कर रहे हैं कि रामप्रीत मंडल जी आगे रहेंगे। फिर अगर कहा जाए इधर गुलाब यादव की बात, तो गुलाब यादव भी जो है आपको दोनों का वोट को तोड़ने में कहीं ना कहीं आपको सफल रहे हैं। जी, कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि सुमन महासेठ और रामप्रीत मंडल में ये मुकाबला काटे की हो चुकी है, और लगभग आप ये कह सकते हैं कि रामप्रीत मंडल का पलड़ा भारी दिख रहा है। जी, कहीं ना कहीं मनोज जी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कैडर बोर्ड की बात अभी मैंने की है, जिस तरह से आरपी मंडल जी की बात मैंने की है, आरपी मंडल पे बहुत सारा बयान भी, मतलब कि उनके ऊपर बहुत सारा ब्लेम लगा, उनके पार्टी के लोग, उनके कार्यकर्ता ही बहुत सारे ब्लेम लगाए, लगाने के बावजूद भी नीतीश कुमार जो जदयू के जो मुखिया हैं और बिहार प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उस पे आरपी मंडल पे विश्वास जताया है और उनको टिकट दिया है, तो कहीं ना कहीं यह उनके कार्यकर्ता की भी मजबूरी हो जाती है जो कि आरपी मंडल को समर्थन देना। इधर यहाँ पे सुमन महासेठ के साथ भी इनके कार्यकर्ता की मजबूरी हो जाती है कि इसको समर्थन देना। तो इस बीच में अब गुलाब जी क्या गुल खिलाएंगे वो तो आने वाला समय ही बताएगा और 4 तारीख ही बताएगा। इधर है कि आरपी मंडल, उनका भी जो रिजल्ट है वो भी बक्सा में बंद है, सुमन महासेठ का रिजल्ट भी बक्सा में बंद है। अब 4 तारीख ही स्पष्ट करेगा कि तीनों के साथ क्या होना है। तीनों के अलावा जो 10 कैंडिडेट का नाम हमने बताया आपको, 3 के अलावा जो 7 कैंडिडेट है, 7 कैंडिडेट कहीं रेस में कहीं यही लोग नहीं है, तो इस तरह की स्थिति लगभग बनी हुई है। कुल मिलाकर आप जयनगर प्रखंड के अनुमंडल के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई चुनाव को आपने कवरेज किया है, पिछले चुनाव और इस चुनाव में क्या अंतर एक दिखाई दिया? जी, आपको बता दूं कि पिछले चुनाव में भी जो आप जिस तरह से सुमन महासेठ और गुलाब यादव ने जो एमएलसी चुनाव को लेकर के जो दोनों के बीच थोड़ा सा जो खट्टापन कहा जाए रिश्ता में, जिस तरह से सुमन महासेठ को गुलाब यादव ने डिफेक्ट किया था एमएलसी चुनाव में, तो यह चीज उभर के सामने अब ये आ रहा है कि आरजेडी से जो जिस तरह से गुलाब यादव जी दावा करते हैं कि मुझे आरजेडी से टिकट मिलने वाला था, आरजेडी मुझे इस सीट से मुझे टिकट दे रही थी, तो यह ब्लेम कहीं ना कहीं, ब्लेम नहीं कहा जाएगा, मतलब यह कहीं ना कहीं स्पष्ट होता दिख रहा है
कि कहीं ना कहीं सुमन महासेठ उस बदले को लेने के लिए गुलाब जी के साथ इस तरह का